ये सत्र में मैं एक सूचना पहले देना चाहता हूँ, क्योंकि पहला सत्र काफी लंबा चला, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूंगा और जो यहाँ पत्र प्रस्तुत करेंगे संगोष्ठी पत्र, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपना पत्र बहुत कम समय का ध्यान रखते हुए इस तरह से प्रस्तुत करें कि 4 बजे तक ये हमारा सत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, संबंध हो जाए। और अब पहले पत्र प्रस्तुत करने के लिए श्री पंचदेव यादव जो तेजपुर विश्वविद्यालय से हैं, सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। व्यक्ति को इसी के माध्यम से सम्मानित करते हैं। इन्हीं पुस्तक
उसको वो जिन्हें राह चलते हुए वो देखते हैं उसके द्वारा बहुत सारी चीजों को आकर्षित करते हैं ध्यान लोगों का कि इससे बहुत सारे समाज के जो पहलू है उनका निराकरण हो सकता है। आगे बात होती है जब निबंधों में उनके निबंध शास्त्रों से छनकर भी ऐसा लोक जीवन प्रस्तुत करते हैं कि दोनों में साम्यता भी है और विभेद भी है। जिसकी चर्चा शास्त्र में करते हैं वह सत्य है, शास्त्र का जो बात करते हैं, लेकिन लोक सदा वह उनके यहाँ नए आवरण में आता है। वह कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है, बाकी को देख कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सकता, केवल उसे वह याद रखती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। वह देखते हैं सामान्य जीवन में जिससे भी संपर्क स्थापित किया जाता है अगर उसका स्वार्थ मिलता है तभी वो आपसे बात करता है, नहीं तो आपसे बात करने की किसी के पास भी गुंजाइश नहीं है। में जब देखते हैं तो आप चलते हुए देख सकते हैं नगरी पेशा व्यक्ति को रोजाना सड़क के किनारे से आता जाता रहता है, लेकिन उसी मलिन बस्ती से होकर लोग चलते हुए देखता है कि निम्न वर्ग के लोग रोटी के लिए कपड़े के लिए उनके बच्चे लड़ रहे हैं, पहनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उन पर वो बात नहीं करना चाहते, जबकि वो आकर जाते हैं देखते हैं उस तरह से। वही जब उनके यहाँ गंदे नाले साफ करने की बात होती है तब वो संवाद स्थापित करते हैं। यहाँ पर अजय चतुर्वेदी की 50 वर्ष पूर्व कही गई बात लोक में वर्तमान रूप में भी स्थापित होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने लोक साहित्य की मर्यादा को रेखांकित करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। लोक साहित्य की मर्यादा है उसका लोक के लिए होना, लोक का कल्याण होना, लोक का ही सुख दुख निरूपण, लोक के ही उत्सव और लोक की ही आकांक्षा की अभिव्यक्ति लोक साहित्य का प्रयोजन है। द्विवेदी जी के यहाँ लोक इसी मर्यादित रूप में दिखता है। लोक उत्सव उनके यहाँ अशोक के फूल निबंध में देखा जा सकता है। वे कहते हैं अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों यक्षों की देन है। असल में पूजा अशोक वृक्ष की नहीं होती, उनके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, इसे मदनोस्तव कहते हैं। इसे राजघराने से जोड़ते हुए वे कहते हैं साधारणतः रानी ही अपने सुनूपुर चरणों के आघात से इस राष्ट्र में अशोक को पुष्पित किया करती थी। यहाँ पर लोग मान्यता की बात कर रहे हैं वो कि जो राजघराने की स्त्रियां होती थी वो अशोक वृक्ष के नीचे जाती थी तो उससे उनको जो है संतान की प्राप्ति होती थी, ऐसी कुछ मान्यता प्राचीन वेदों में या फिर ऐसे ही लोग रूप में जो प्रश्न चला रहा है इसकी चर्चा वो करते हैं। दूसरी बात, लोक साहित्य मौखिक परंपरा से प्रवाहित होता है और लोक मनोरंजन मनोविनोद के लिए भी लिखा जाता है। गीत कहावते अनुष्ठान पूजन व्रत नृत्य त्योहार संस्कार सब लोक साहित्य के उपादान है। आम भी पौरा के निबंध की ये पंक्तियाँ सुना था कि वसंत पंचमी के पहले अगर आम मंत्री दिख जाए तो उसे हथेली पर रगड़ लेना चाहिए क्योंकि ऐसी हथेली साल भर तक बिच्छू के जहर को आसानी से उतार देती है। या गांव में प्रचलित जो लोग हैं वो आसानी समझ सकते हैं कि यह बात कितनी लोक में रमी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से लोक में मिलती है कि हम आम की जो मंजरी होती है बिच्छू का जो जहर होता है उसके मंजरी के द्वारा हम रगा करके उतारते हैं, ये लोक से ही ग्रहण किया हमने। आगे अंधकार से जूझना निबंध में वो दीपावली के संदर्भ में कहते हैं किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दिए हुए की बाकी चकमा की चिंगारी और बीजों से निकलने वाले शोक संयोग को देखा, अंधकार को जीता जा सकता है, दिया जलाया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने दीपावली त्योहार के माध्यम से लोक की बात की है, उन्होंने दीपक बनाने वाले की बात की है और मनुष्य की प्रगति की बात की है। मेरा कासना निबंध में वो एक संथा पल्क के माध्यम से बड़ा ही मनोहर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं दूसरी ओर एक काली संथाल वाला बड़े ध्यान से उन पुष्पों को देख रही थी। पहले मैंने सोचा कि वह पुष्पों को तोड़कर पकौड़िया बनाना चाहती होगी क्योंकि काशनाथ पुष्प की पकौड़िया बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है। लोगों के कहने पर मैंने भी ऐसी पकौड़ियों को बहुत मान दिया करता था, हालांकि वो खाने में बहुत अच्छी नहीं थी।
ये सारे स्रोत उनके यहाँ लोक के ही रूप में देखे जा सकते हैं। ओके जी सर, धीरे जी के निबंधों में लोक जीवन का जो केंद्र बिंदु है उनके यहाँ तीज त्योहार जंगल मनुष्य नाखून आम बौर बिच्छू दातून गेहूं धान मच्छर आलू बैगन भूत ओझा चैत फाल्गुन भगवत पुराण नमाज ये सारी चीजों की चर्चा मिलती है जो कि एक लोक जीवन के अंग उपांग है। उन्होंने ये लोक जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। मैं आश्चर्य से मनुष्य की अद्भुत शक्ति की बात सोचता हूँ कि आज जो दुर्भिक्ष अन्न संकट चित्त को मत रहा है मनुष्य उस पर विजयी होगा। कौन यह जाने महान गोधूम लता गेहूं किसी दिन सचमुच गायों को लगने वाले मच्छर को भगाने के लिए धुआं पैदा करने के काम आती हो। तो वह जो धान की चर्चा करते हैं गेहूं की चर्चा करते हैं तो गांव में जो प्रचलित है उसको जलाते हैं हम तो उससे मच्छर भागते हैं गाय जो है उनके जो उपादान है इन सारी चीजों की चर्चा वो अपने निबंधों में करते हैं। यहाँ उनका लोक प्रस्तुत होता है। अंत में एक कुत्ता और एक मैना निबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातों को पक्षियों के माध्यम से कहते हैं। एक मैना दंपत नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे उनके घर में कहीं कोने पर उन्होंने देखा होगा तो उसका जिक्र करते हैं। कहते हैं कि तिनके और चित्रों का अंबार लगा देते हैं ये लोग प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमा करते हैं तिनके और चित्रों का अंबार लगा देते हैं हैरान होकर सुराखों में हम ईंटें भर देते हैं परंतु खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। एक तिनका ले आए तो एक पैर पर खड़े होकर जरा पंखों को फटकार दिया जो पक्षी होते हैं चोंच से अपने पैरों को साफ कर लिया नाना प्रकार की मधुर और विजयी कोसी बाड़ी में गाना शुरू कर दिया और पति देवता भी जो चिड़िया के साथ होते हैं वो आनंद से सारा घर मुखरित कर देते हैं। यहाँ पर उनकी पशु पक्षियों के एक वर्णन को देखा जा सकता है जो घर में एक तरह से गुजरान रहता था लोगों के आसपास रहता था उसकी चर्चा तो है ही। दूसरी तरफ आप चर्चा करते हैं कि यह जब गाय हो जाएंगे तो हमारे लोगों का क्या होगा। वो कहते हैं एक दिन वह मैना उड़ गई जब वह अकेले आया करती थी उस डाल के कोने में जब झिंगुर अंधकार में झंकारता था जब हवा से बांस के पत्ते झरझराते हैं पेड़ों की फांस से पुकारा करता है नींदों को तोड़ने वाला सामने तारा इतना कर है उसका गायब हो जाना। यहाँ जो चिड़िया है जो पक्षी है उनको गायब होने के की चिंता भी उनके यहाँ उपस्थित लोगों की और कहावतों का प्रयोग भी उनके यहाँ मिलता है। जैसे दिन फूला फूल के खनखड़ भया पलाश और आगे कहते हैं सबे दिन ना सबे बाय सबे धान बाईस पसेरी की फिर पेपर लंबा है सर आप इसे बिल्कुल हो गया था समाप्त बसंत गीत भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ उनके यहाँ मनुष्य को केंद्र में रखकर विविध प्रसंगों से जोड़ते हुए जो रूप उपस्थित होते हैं वह अवश्य मिलेगा आपको। लोक जीवन में कहीं फूलों की व्याख्या है तो कहीं वसंत की व्याख्या में कहीं आम की व्याख्या में कहीं घर जोड़ने की माया के रूप में कहीं भोगियों के नृत्य के रूप में कहीं गरुड़ पाचना की व्याख्या में तो कहीं देवदार की लकड़ी के द्वारा भूत पकाए जाने के माध्यम से वो लोग को उपस्थित करते हैं। यहाँ समय का अभाव था मैं थोड़ा विस्तृत रूप से इसको प्रस्तुत करना चाहता था क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें आधी अधूरी रह गई हैं बोलते समय लेकिन फिर भी आप सभी ने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।